भजन करा दोगांचा म्हणा भजन करा भजन करा शिवाय माझे बोलणे अवधारा भेदन करा दोगांचा भजन करा रे भजन करा नारायण शिव शंकरा नमः शिवाय भजन करा ओम नमः शिवाय ओम माझे बोलणे अवधारा भेदन करा दोघांचा भजन करा रे भजन करा नारायण शिव शंकरा नमः शिवाय म्हणा भजन करा रे भजन करा नारायण शिव शंकरा माझे बोलणे अवधारा भेदन करा दोघांचा भजन करा रे भजन करा नमः शिवाय बोलणे अवधारा नमः शिवाय भजन करा किसकी आवाज है ये? हमारी पूजा में हमें व्यत्यय पसंद नहीं है। कोई नामदेव नाम के संत आज यहाँ पधारे हैं, उनके साथ में ज्ञानेश्वर और उनके भाई भी हैं। ज्ञानेश्वर वही जिसने महिषामुख से वेद सुनवाए थे? हाँ वही, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस हरि भक्त को इस हर मंदिर में आने किसने दिया? आपका दर्शन कर लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो कीर्तन शुरू किया है। लोग इकट्ठे होने लगे हैं। नामदेव अपने कीर्तन के लिए मशहूर है। लेकिन ये तो शिव मंदिर है, नागनाथ का मंदिर है। औंधे नागनाथ का महात्म्य तो सब जानते हैं। आज शिवरात्र है, आज तो सिर्फ नागनाथ की ही पूजा होनी चाहिए। ये पंढरी के वैष्णव यहाँ कुछ भी करें ये बात ठीक नहीं है। चलो बाहर जाके उनसे बात करते हैं। चलो चलो, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी पूजा खंडित करके कैसे जाएंगे? विट्ठल जय हरि विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल 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 जय। बंद करो, बंद करो, ये कोई विष्णु मंदिर नहीं है, ये शिवालय है। हमारे नागनाथ जी को आपका शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ताड़कुटिया, चल निकल यहां से, चले जाओ। ये पंढरपुर नहीं है जहां विष्णु पुराण कोई नहीं सुनेगा। ओ विद्वान पंडित, आप अपने आप को क्या समझते हैं? यहां शिव मंदिर में विष्णु पुराण सुना के आप हमारे शिव भक्तों को भ्रष्ट कर रहे हैं। तुम तुरंत जाओ यहां से। भूदेव, ये शिव का मंदिर है, हमारे लिए ये पवित्र स्थान है। आप श्रेष्ठ जन हो, इस तरह से बात करना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कहा यहाँ कोई नाम गजर नहीं होगा। क्यों? हमारे संप्रदाय में इसे मान्यता नहीं है। हम शिव नाम के सिवा और कुछ नहीं सुनना चाहते। हम तो शिव और विष्णु में भेद नहीं मानते। एक ही ईश्वर के ये दो अवतार है, दो रूप है। एक चिहे तत्व एकाकार देशी, एक तो नेमेसी सर्वजनी। ऐसे ब्रह्म पहा आहे सर्व एक, न लगे तो विवेक करणे काही। हम आपका कोई तत्वज्ञान सुनना नहीं चाहते और ना ही आपकी कोई भी बात। आप हमारी पूजा में बाधा डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमारे शैव संप्रदाय के लोगों को आप वैष्णव संप्रदाय में ले जाना चाहते हैं, ये आपकी साजिश है, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। मैं इस शैव क्षेत्र का उपाध्याय आपको आज्ञा करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। आपको जो भी नाच गाना करना हो वो मंदिर के पीछे जाके कीजिए।
जाइए जाइए, और यहाँ फिर सामने वापस आने की कोशिश की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। जैसी आपकी आज्ञा भूदेव। भक्तजनों, हम तो विष्णु और शिव में फर्क नहीं करते, ये एक ही ईश्वर के दो रूप हैं। फिर हम हमारा कीर्तन सामने करें या पीछे करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं मंदिर के पीछे जाके कीर्तन कर रहा हूं। जो सुनना चाहते हैं वो जरूर आ सकते हैं। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग